ये सवाल इस तरह आया सोशल मीडिया पर है कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम की ज़ाहरी हयात में कमोबेश 63 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आया हो है या होगा, जो भी ये लिखना चाह रहे होंगे। कहते किस हदीस से ये साबित है कि आपने अपनी विलादत का दिन मनाया? प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो हर महीने में 4 दिन मनाते थे जश्न। हर महीने में रबीउल अव्वल में भी और हर महीने में। वो इशू मतलब हदीस शरीफ है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर पीर शरीफ को रोज़ा रखते थे। जब आपकी खिदमत में पूछा गया इसकी वजह, तो एक वजह ये बताई, फी ही वुलित तो, इसी दिन मेरी विलादत हुई है। यानी हर पीर को आपका बर्थडे, तो ये रोज़ा आप रखते थे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं वैसे ही एक समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर आप बोलते हैं रबीउल अव्वल तो ये हर महीने 4 दिन, तो ये उनको समझाओ ना जो सालगिरह मनाते हैं, गुब्बारे फोड़ते हैं, औरतें मर्द जमा होकर केक काट के वो तालियां बजाते हैं, बच्चे के लिए तोहफे वसूल करके ढेर लगाते हैं, गिफ्ट पैक जमा करते हैं, इनको बोलो ना ये ऐसा क्यों करते हैं। हाँ, हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जो दिन है वो 10 मरतबा तकरीबन आया, तो क्या किसी हदीस से, यानी जो इनकी इनकी सीरत है उसमें ये है कि हज़रत उमर का दिन मनाया हो उन्होंने, या हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु का दिन मनाया हो? कहीं भी ऐसा नहीं, और आज एतराज़ करने वाले ख़ुद इसको मनाते हैं। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में तकरीबन 6 साल तक इन तीनों के अय्याम आते रहे, किसी ने भी नहीं मनाया, लेकिन मनाए जा रहे हैं। रमज़ान शरीफ जो है हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दौर में जब इसका ऐलान हुआ, बाकायदा रोज़े फ़र्ज़ हुए 2 सन हिजरी के अंदर, उसके बाद 9 मरतबा रमज़ान मौजूद रहा, क्या उसमें कभी ऐसा हुआ कि तरावी के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो है वो दरसे कुरान देते हों? ऐसा कभी नहीं, लेकिन हर जगह पे हो रहा है। तो इनमें किसी चीज़ को एतराज़ का जो है वो मौका नहीं, किसी पर कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ होना है तो फ़क़त इस तरह के शैतानी ख़यालात के ज़रिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दौरे खिलाफत में इतनी मरतबा आया, हज़रत अबू बकर के दौर में इतनी मरतबा आया, हज़रत उमर के दौर में इतनी मरतबा आया, तो हज़रत उस्मान गनी के दौर में इतनी मरतबा आया, हज़रत अली के दौर में इतनी मरतबा आया, उन्होंने मनाया, तो ना मनाने का भी कोई सबूत नहीं है। और किस तरीके से मनाया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत पर चलकर ही उन्होंने मनाया होगा रोज़े रख कर। लेकिन इसी तरह के बहुत सारे उमूर हैं जो उस दौर के अंदर आए लेकिन उन्होंने नहीं किए, आज हमारे दौर में वो हो रहे हैं और वो दीनी काम हैं जो किए जा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर किसी को कोई एतराज़ ये नहीं होता। दस्तारबंदी के जलसे हो रहे हैं, खत्मे बुखारी हो रहे हैं, बुखारी शरीफ तो न सहाबा के दौर में थी, न ताबेईन के, न तबे ताबेईन के, तो बाद में तो हर और यानी कि जो मिला शरीफ नहीं मनाते वो भी दस्तारबंदियाँ कर रहे होते, खत्मे बुखारी कर रहे होते।